Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 20 of chapter number 3 Playing with Numbers. Last part में हमने Highest Common Factor के बारे में बात की थी और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था. अभी इस पार्ट में हम 3.6 का क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से. क्वेश्चन 2 इज Which is the HCF of two consecutive? A is numbers, okay. B पार्ट में हमसे पूछा है even numbers का HCF क्या होगा? Consecutive even numbers का HCF. और C पार्ट में हमसे पूछा है कि consecutive odd numbers का HCF क्या होगा, right? तो इस क्वेश्चन में दो तो ये important चीजें हैं कि consecutive numbers and HCF, right? Consecutive यानी कि एक के बाद एक. जैसे अगर नंबर्स की बात करें तो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे 3 और 4 आर कंसेक्यूटिव क्योंकि उनके बीच में कोई नंबर नहीं है. इसी तरीके से अगर इवन नंबर्स की बात करें कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की तो 4 और 6 इवन कंसेक्यूटिव होंगे क्योंकि उनके बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं आता. सिमिलरली अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो वो होंगे 7 और 9 टाइप के क्योंकि उनके बीच में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता. तो ये तो हुआ कंसेक्यूटिव का कॉन्सेप्ट. और एचसीएफ अब हम लोग सब जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लूँ, लेट टू consecutive numbers be, अगर सपोज मैं मान लेती हूँ 4 और 5, ओके. और अब इनका HCF फाइंड करें. अगर तो HCF कैसे फाइंड करते थे? HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे दोनों नंबर्स का. जैसे 2 से 4 डिवाइड होगा कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, राइट. और 2 × 1 = 2. इस तरीके से हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया. इसी तरीके से हम 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, राइट. तो इस तरीके से हमें 4 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशंस मिल जाते हैं. 2 × 2 और 5 का हो जाएगा 5, राइट. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इनमें एचसीएफ कैसे फाइंड करें. ओके, क्योंकि 4 और 5 में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है तो इस तरीके के नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, 1. क्योंकि 1 के अलावा कोई और फैक्टर 4 और 5 का ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो. सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों का फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा. और अकेला होने की वजह से यही हाईएस्ट भी हो जाएगा, यानी कि 4 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 1, राइट. तो इसी तरीके से अगर हम 4, 5 के अलावा कोई और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, उनका एचसीएफ होगा 1, राइट. सिमिलरली अगर हम इवन नंबर्स की बात करेंगे, इवन नंबर्स की बात करेंगे, सो लेट 2 consecutive even numbers B, अगर मैं इवन नंबर सपोज कह दूं 6 और 8, ओके, 6 और 8 अब इवन नंबर है. अब इनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं. सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 जो इसे डिवाइड करेगा और 3 टाइम्स डिवाइड करेगा. 3 को 3 डिवाइड करेगा 1 टाइम, राइट. और इसी तरीके से हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 डिवाइड करेगा 4 टाइम्स करेगा और 4 को भी 2 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, राइट. और 2 को 2 करेगा. इस तरीके से 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल जाता है 2 × 3 और 8 का मिल जाएगा 2 × 2 × 2. और अब हम इनका फाइंड करेंगे, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल्स टू, अब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इनका कॉमन प्राइम फैक्टर है, इनका कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2. सो यहाँ पे 6 और 8 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2, राइट? ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी इवन नंबर को अगर चेक करेंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर को, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 2, राइट? तो यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 1, और अगर इवन नंबर्स लेते हैं कंसेक्यूटिव तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2. इसी तरीके से अगर हम ऑड नंबर्स लें, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लेट 2 consecutive odd numbers be, अगर सपोज मैं ले लेती हूँ 7 and 9, राइट? दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए मैंने 7 and 9. अब क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए, 7 और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 7 × 7, 9 का किया तो क्या मिलेगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 टाइम्स होगा, 3 × 1 = 3. तो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 हुआ और 9 का हुआ 3 × 3. तो क्योंकि 7 और 9 में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 7 और 9 का जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है, और वही हाईएस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि अकेला 1 ही ऐसा फैक्टर है जो 7 और 9 दोनों का फैक्टर है, इसके अलावा कोई और फैक्टर हमें नहीं मिलता. तो हमने क्या देखा कि अगर हम दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ हो जाता है 1, राइट? और अगर दो इवन नंबर्स लेते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो उनका एचसीएफ हो जाएगा 2, ओके? और इसी तरीके से अगर दो ऑड नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, राइट? सो इस तरीके से हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 का factorization हुआ 2 × 2 and 15 का factorization हुआ 3 × 5. Right? Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct answer? Okay. So सबसे पहले क्या गिवन है हमें, पहले वो देख लेते हैं. Since prime factorization of 4 and 15 क्या गिवन है हमें, वो ऑलरेडी गिवन है, अब हमें सॉल्व नहीं करना. गिवन है हमें 4 का दिया हुआ है 2 × 2 और 15 का दिया हुआ है 3 × 5, राइट? इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया है. अब क्योंकि इनमें कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, ओके? इनमें कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में भी दे दिया और ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, राइट? तो अब ये कह रहे हैं कि क्या एचसीएफ जो होगा इनका 4 and 15 का 0 है. 0 होगा क्या 0 कभी भी कोई फैक्टर हो सकता है? अब जरा पीछे लौटते हैं फैक्टर की डेफिनेशन पे. फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करता है. 2 6 का फैक्टर है क्योंकि 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. तो 0 का डिवीजन तो डिफाइंड ही नहीं है, 0 से तो हम किसी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो 0 तो फैक्टर हो ही नहीं सकता. जब वो फैक्टर ही नहीं है तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जब वो कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे होगा? इसलिए 0 इज नॉट द एचसीएफ ऑफ 4 and 15, राइट? सिंस 0 इज नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ओके, number, therefore 0 is not HCF. लॉजिक समझ आया? क्योंकि जब वो डिवाइड ही नहीं करेगा, वो फैक्टर ही नहीं होगा, तो वो HCF कैसे हो जाएगा? 4 एंड 15 का, राइट। तो ये तो नो हो गया आंसर, 0 इज नॉट HCF ऑफ 4 एंड 15, राइट। अब इसमें यहाँ ये जो नॉट है ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आंसर के लिए। और दूसरी बात हमसे क्या पूछी है, दूसरी बात पूछी है कि इज द आंसर करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF। ओके, सो हम लिखेंगे आंसर इज नॉट करेक्ट, ओके, एंड करेक्ट आंसर इज और HCF इज 1, राइट। क्यों हुआ 1? क्योंकि 4 और 15 में कोई भी प्राइम फैक्टर या कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन फैक्टर हो, इसलिए जब ऐसे नंबर्स हमें मिलते हैं तो उसमें सिर्फ एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि दोनों का फैक्टर होता है, दैट इज 1, क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए अगर कोई और फैक्टर नहीं है उसका कॉमन तो क्या मिलता है हमें, सिर्फ और सिर्फ 1 हमें उन नंबर्स का HCF मिल जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक आप HCF की प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।